तो आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका हार्दिक स्वागत है श्री राधा लाइफ में। तो सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, हमने भी देखो वुलन के कपड़े पहन लिए हैं। देखो 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 ये देखो, उसने भी पहने हुए हैं, बस इसने ही नहीं टी शर्ट पहनी हुई है। ये तो है ही शैतान, तभी इनके नाम शैतान रखे हुए हैं, इसका भी इसका भी इसका भी। तो आज मैंने सिर वगैरह सब धो लिया है, इनके कपड़े बनाने थे। ये बिल्कुल गर्म कपड़ा है, देखिए थोड़ा सीमर टाइप से लग रहा है, बट ये बिल्कुल गर्म कपड़ा है। इससे राधा रानी और सॉरी माधवी जी और माधव लाला के लिए कपड़े बनेंगे। जब ये तैयार होंगे तो आपको दिखाती हूँ। बस अब कटिंग करना शुरू कर रही हूँ। देखो कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। मेरे पास थोड़ी इसके साथ की नेट भी पड़ी है, वो दुपट्टे में काम आ जाएगी, थोड़े फैंसी से कपड़े बन जाएंगे। अभी मैं वो सीखूंगी। वो बोलते हैं ना एक क्रोशिया होता है, क्रोशिया, उसके कपड़े बनाना सीखूंगी इनके गर्म, क्योंकि ठंड बहुत आ चुकी है। बस अब मैं इनके कपड़े आज बना दूंगी ठंड के, फिर इन्हें नहला धुला देते हैं। अब मैंने शुरू कर दी है कटिंग करनी, तो वो मैं फिंगर से ही नाप ले लेती हूँ अपनी, देख लेती हूँ कि मतलब कि इस बार बाजू वाले कपड़े बनाने हैं। तो ये बाजू का मैंने डिज़ाइन कर लिया इधर से, और ये टॉप काट रही हूँ मैं इनका, माधवी जी का और माधव लाला का। तो मेरे को, मैं जब काट रही थी तो मैंने सोचा कि दो टॉप इकट्ठे कटेंगे, पर मेरे से गलती हो गई। मेरे ये सिर्फ फोर्ड पार्ट ही हैं जो फोल्ड किए हैं मैंने, तो मैं आइडिया लगा रही थी कि दोनों इकट्ठे कट रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि वो एक ही कटा, फिर मुझे दोबारा से एक और काटना पड़ा। और ये मैं सोच रही थी कि दोनों इकट्ठे ही कट जाएं तो बेस्ट है। तो एक ही नाप के होते हैं युगल सरकार के तो सारे, क्योंकि युगल सरकार है तो दोनों का सेम ही कटीता है। तो ये देखो मैं कितने उल्टे काम करूँगी, ये देखो, ये मैं बड़ी खुश हो रही हूँ इसे काट के, कि इसलिए कि ये जो कट रहे हैं दो, ओ ये देखो ये तो एक कटी गया। अब इसके बाद मैंने फिर इसके ऊपर एक और फोल्ड रखा, थोड़ा इसमें डिज़ाइन डल जाएगा, क्योंकि बाजू में नहीं फ्रंट में दिक्कत आएगी इसमें। ये मैं लगाकर देख रही हूँ थोड़ा सेट बैठ जाए, बट अगर मैं दूसरी तरफ से करती तो दिक्कत हो जाती। तो फिर मैंने ऐसे कर दिया कि बाजू में दिक्कत ना आए, फ्रंट में मैं डिज़ाइन कर दूंगी इसमें। तो मैंने ये कर दी है ये इसकी कटिंग। उसके बाद ये देखो साइड से मैं कटिंग कर रही हूँ, ये चल गई मेरी कैंची। तो बस सोचा कि आज ठंड के कपड़े बनाए जाए, लेकिन फिर भी सारा दिन में टाइम निकालना कपड़े बनाना बच्चों के साथ बहुत बड़ी बात हो जाती है, ये बहुत तंग करती है मेरी छोटू शैतान सच में। ये देखो ये जो मैंने थोड़ा सा बड़ा इसलिए काट लिया, एक तो हमारे माधव लाला जी थोड़े तकड़े शकड़े हैं, और यह जड़ा कटिंग हो रही है, माधव लाला दे कपड़े कटिंग हो रहे ना, आई मीन कटिंग हो रही है। मैंने बीच में पंजाबी मारी दी थोड़ी सी क्योंकि पंजाबी बोलने का भी अपना ही मज़ा है, और जब तक पंजाबी ना निकले ना मुंह से तो मज़ा नहीं आता। अब ये छोटू शैतान बैठ गई है तंग करने, इसने पूरी जान लगा दी अपनी। ये इसका रैपर उतारते हुए बोतल का, और लगी रही ये काफ़ी देर तक, इतनी देर। अगर इसको सॉक्स डाल दो ये वो नहीं डालती, कैप डाल दो वो नहीं डालती, ये बहुत तंग करती है मुझे। और इसने एक एक पॉइंट जो भी उसके ऊपर रैपर चिपका हुआ था, एक एक कागज का उसके ऊपर से टुकड़ा हटा दिया है, और बिल्कुल निकालने की कोशिश कर रही है ये। ये देखो बैठ हुई, बहुत तंग करती है ये मेरे को जितना कर सकती है। ये थोड़ी देर होल्ड थी तो मैंने इसकी छोटी सी ये वीडियो बना ली थी कि देखो ये कितना तंग करती है। और मेरे घर में कभी भी आप ये नहीं दे सकते कि सफाई हो रखी है, आप 10 बार सफाई करोगे, यानी कि मैं 10 बार सफाई करूँगी तो 10 बार ऐसे खलारा पड़ा हुआ मिलेगा, इतनी शैतान है। और फिर मैंने ये शाम के बज गए हैं करीबन 7 बजे मैंने ये ड्रेस बनानी शुरू की थी। ये माधव लाला का टॉप है, और ये मैं अब दुपट्टा रेडी कर रही हूँ, और ये करना ज़रूरी था क्योंकि सुबह उनको मैंने ड्रेस पहनानी है, क्योंकि मैंने ड्रेस नहीं बदली थी 3-4 दिन से, नहीं हो गए थे, हफ्ता हो गया था इस बार, क्योंकि पहले तो थोड़ा सा मैं बिज़ी थी, और फिर उसके बाद फिर आज मैं नहा धो के
ठीक हो गई हूँ, तो सोचा कि आज उनके कपड़े ही बनाए जाएं। तो ये देखिए, अभी भी मैं बैक साइड में ही तब रुक गई थी कैंची बीच में, मैं पीछे छोटू शैतान को देख रही थी, वो तंग करती है, बहुत तंग करती है मुझे। और ये देखिए सिलाई शुरू है मेरी, और ये बन रहा है माधव लाला का, वो जो कहते हैं पीछे से धागा ही ख़त्म हो गया देखो, और मैं आगे मशीन चला ही जा रही हूँ। अब इसे रोक के ये माधव लाला का पटका बना रही हूँ जो साइड में डलता है। आई थिंक उसे और कुछ भी कहते होंगे, बट मुझे शायद पटका ही पता है। ड्रेस के बारे में मैंने अभी कुछ ड्रेसे पहले से नहीं मुझे आती थी, मैंने अभी बनानी सीखी हैं जब से माधव लाला आए। तो ये रहा फाइनल लुक, ये इनका दुपट्टा है कान्हा जी का, और ये इनकी ड्रेस है पूरी। ये देखिए ये पीछे इसके बटन लग जाएंगे, मैंने उनकी ये पैंट बना दी है, और ये टर्बन भी बनाई है, और ये देखिए ये मैंने उनकी ड्रेस बना दी है श्री राधा रानी की भी। ये फुल दुपट्टा है, इसको खोल कर दिखा देती हूँ, ये ठंड है ना, थोड़ा ठंड के हिसाब से ही बनाए हैं, फिर कपड़े पूरी बाजू के हैं, अच्छे लगते हैं ना फिर ऐसे। ये देखिए कितनी प्यारी ड्रेस बन चुकी है। भक्तों कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको श्री माधवी जी और श्री माधव लाला की ड्रेस पसंद आई हो, और कल फाइनल लुक आपको मिलेगा। सुबह उन्हें नहला धुला के तैयार कर दूंगी मैं, स्नान कराकर। आज मतलब मैं भी बिल्कुल सर वर धो के ठीक हो गई हूँ, तो आज ही बनाए हैं कपड़े मैंने, तो उनके कपड़े ये देखिए बिल्कुल कितने अच्छे लग रहे हैं। ये उनकी टर्बन कुछ इस तरह से डाल कर ना पिनअप कर दूँगी, उसके ऊपर कुछ स्टोन वगैरह लगा दूँगी, तो बहुत प्यारी लगेगी ये। तो अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे भक्तों।